हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी होम रेमेडी जिससे आप स्क्रब के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फेस पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फेस वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने ये रेमेडी सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, एक दिन में ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आपकी स्किन में कोई भी दाग धब्बे वगैरह है और रंगत चली गई है चेहरे की, तो वो भी लौटाने में काम आएगा ये। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमको सिर्फ 5 चीज़ों की आवश्यकता है जो कि हमारे किचन में हमको आसानी से मिल जाएगी। 2 चम्मच आटा लेना है, 2 चम्मच मसूर की दाल लेनी है और 2 चम्मच चावल लेना है और 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच चीनी। फिर हमने इसको ग्राइंड कर देना है मिक्सर में। फिर इसको दरदरा सा पीसना है। जितना आपको चाहिए आपने बाउल में पेस्ट बना के फिर एक कंटेनर में फ्रीज में स्टोर करके रख देना है। बाकी जितना बच जाए उसको भी आप स्टोर करके रख सकते हो। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाला, आप इसमें खाली पानी भी डाल सकते हो। फिर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। फिर इसको हमने अच्छे से मिला देना है। ये पाँचों चीज़ें ऐसी है कि जैसे हल्दी का तो आपको पता है कि हमारी चेहरे की रंगत को निखारती है, चावल हो गया ये हमारी त्वचा को गोरा बनाता है, आटा हो गया, चीनी, ये सभी चीज़ें आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, चमक लाएगी आपकी त्वचा में। और ऐसा ही कोई भी कंटेनर लेना है हमने और उसको हमने फ्रिज में स्टोर करके रख देना है। आपके कम से कम 8-10 दिन तक चल जाएगा ये फ्रिज में रखना, क्योंकि वैसे भी गर्मियों का टाइम है तो ये ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये फेस पैक बनके तैयार है और हमने अब इसको अच्छे से ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देना है। अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जब भी आप नहाने जाओ तो आप इसको बॉडी स्क्रब के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे भी फ्रेंड्स लॉकडाउन चल रहा है तो आराम से आप घर में बनाई हुई चीज़ों का यूज़ करिए और इसका रिज़ल्ट भी पाएंगे आप। आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी स्किन एकदम निखरेगी। अगर ना निखरे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। मैं कोई भी होम रेमेडी हो, कोई भी मेकअप के प्रोडक्ट हो, पहले अपने आप पे इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड्स, तभी जाके मैं आपको उसका डेमो देती हूँ और उसका यूज़ करने के लिए कहती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फेस वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने पहले अपना फेस गीला कर देना है। तो ये आपका पहले स्टेप में हो गया, फेस वॉश के काम आएगा ये। तो आप इससे फेस वॉश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हफ्ते में 2-3 बार जरूर ट्राई करें। और इन सब चीज़ों का जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ये सभी चीज़ें आपकी स्किन को एकदम निखारेगी और आपकी त्वचा को बेदाग बनाएगी। तो इसका रिज़ल्ट देख लीजिए आप। फेस वॉश करने में ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका। अब हम इसको फेस पैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कम से कम 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से अपने फेस में लगा देना है और 10-15 मिनट बाद ही जब ये अच्छे से सूख जाएगा तभी हम अपने फेस को धोएंगे। तो अब 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये फेस पैक अच्छे से सूख चुका है। तो अपने हाथों को आपने थोड़ा गीला कर देना है और अच्छे से स्क्रब करना है आपने। तो आपका बन गया ना फेस वॉश के काम भी आया, फेस पैक के काम भी आया और ये फेस स्क्रब भी हो गया है आपका। अच्छे से आपने स्क्रब कर देना है और आपके बॉडी स्क्रब के काम भी आएगा है ये। तो लॉकडाउन के लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है ये, ज़रूर ट्राई करें। मैंने फेस वॉश कर लिया है तो आपको मेरे फेस में काफ़ी अच्छा
निखार दिख रहा होगा, ग्लो दिख रहा होगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।